दुनिया भर में साल दर साल दुनिया के सबसे ताकतवर, अमीर और अपने लिहाज से दुनिया भर में प्रभाव डालने वाले लोगों की सूची तैयार करने वाली फोर्ब्स मैगजीन ने इस साल के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में जेफ बेजोस हालांकि इस बार भी पहले स्थान पर काबिज रहे हैं। फोर्ब्स ने कहा कि ई कॉमर्स क्षेत्र की दिग्गज कंपनी अमेज़न के संस्थापक 55 वर्षीय जेफ बेजोस इस सूची में पहले स्थान पर बरकरार है। उनके बाद नाम आ रहा है बिल गेट्स का और तीसरे नंबर पर इस सूची पर है वॉरेन बफेट। भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी दुनिया के अरबपतियों की सूची में भी आगे बढ़ रहे हैं। फोर्ब्स की दुनिया के अरबपतियों की सूची में वो 6 पायदान की छलांग लगाकर 13वें स्थान पर पहुंच गए हैं। कुल संपत्ति की बात करें तो बेजोस की संपत्ति पिछले एक साल में 19 अरब डॉलर बढ़कर 131 अरब डॉलर हो गई है। फोर्ब्स की लिस्ट में भारतीयों की संख्या की बात करें तो मुकेश अंबानी की संपत्ति 2018 में 40.1 अरब डॉलर थी, जो कि बढ़कर 50 अरब डॉलर पर पहुंच गई है। दुनिया के अमीरों में पिछले साल वो 19वें स्थान पर थे और इस साल 6 स्थान ऊपर चढ़कर 13वें नंबर पर आ गए हैं। फोर्ब्स की सूची में शामिल भारत के 106 अरबपतियों में मुकेश अंबानी सबसे आगे हैं। विप्रो के चेयरमैन अजीम प्रेम जी 22.6 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ इस सूची में 36वें स्थान पर है। HCL के सह संस्थापक शिव नाडर 82वें स्थान पर, FMCG कंपनी पतंजलि आयुर्वेद के सह संस्थापक आचार्य बालकृष्ण 365वें स्थान पर है। फोर्ब्स की 33वें सालाना वाली रैंकिंग सूची में 2153 अरबपतियों के नाम है, जबकि 2018 में इससे अधिक 2208 लोगों के नाम थे। इस साल के अरबपतियों की कुल संपत्ति 8700 अरब डॉलर रही, जबकि 2018 में उनकी कुल संपत्ति 9100 अरब डॉलर थी। इस रिपोर्ट के आंकड़े ये अच्छी तरह साफ कर रहे हैं कि बिलियनर्स की संख्या बीते साल की तुलना में इस साल कम हुई है, और ऐसे में बेजोस से लेकर मुकेश अंबानी ने जिस तरह से अपनी मॉनेटरी ग्रोथ के साथ साथ अपने बिजनेस को आगे पहुंचाया है वो तारीफ के काबिल है।